एक IVF प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी, क्या दोनों समान होते हैं? ये प्रश्न अक्सर हमारी OPD में जो भी पेशेंट्स IVF कराना चाहते हैं उनके दिमाग में ये द्वंद रहता है, ये क्वेरी रहती है, वो आके पूछते हैं कि क्या वो जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल दिखेंगे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं? बिल्कुल वो नॉर्मल ही दिखेंगे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। IVF और नेचुरल कंसेप्शन में बस इतना फ़र्क है कि वो आप नेचुरली खुद से कंसीव कर रहे हो, आपके अंडे और शुक्राणु खुद से मिल रहे हैं, और IVF प्रेगनेंसी में उसी चीज़ को हम लैब में कर रहे हैं। प्लस जो आपके 3 मंथ्स की मेडिसिन होती है, मीन्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो 3 महीना वैसे भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर आप नेचुरली भी कंसीव्ड हो तो, और IVF में उस दौरान आपको ज़्यादा इंजेक्शन, ज़्यादा मेडिसिन दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बेड रेस्ट कराया जाता है। जी हाँ, अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, जैसे कि वो आप नेचुरल कंसेप्शन में भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकते हो, जैसे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे आपका BP बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, उससे IVF का कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको बेड रेस्ट बोला जाता है। तो जो IVF की आपकी जो मेडिसिन होती हैं प्राइमरीली, वो 3 मंथ्स के बाद स्टॉप हो जाती हैं। अगर आप 3 मंथ्स के बाद एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं हो तो आपको वो सेम मेडिसिन चलती हैं जैसे कि एक नेचुरल प्रेगनेंसी को चलती हैं, और आपका आउटकम भी सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने IVF कराया है इसकी वजह से आपको पकड़ के ले जाके सिजेरियन कर देंगे। जो IVF प्रेगनेंसीज होती हैं उनकी भी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं अगर बाकी सारे फैक्टर्स नॉर्मल होते हैं तो एक बार जब आप कंसीव हो गए, आपका 3 मंथ्स निकल गया, फिर आप और एक जो IVF से कंसीव महिला हैं दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, ना ही जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है। तो आप अपने दिमाग से ये मिथ, ये भ्रम निकाल दीजिए कि जो IVF होगा उसमें बच्चे पता नहीं कैसे बनेंगे, हमारा क्या होगा, प्रेगनेंसी में 9 महीने में बेड रेस्ट करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम रखें आपका ख्याल।